आज यहां आकर मैं अभिभूत हूं, आई एम ओवरवेल्म्ड, क्योंकि आज यहां पर जो सर्वोत्तम है हमारे देश की लोकशाही में, उसका दर्शन आज यहां पर हम लोगों को हुआ और हमने महसूस किया कि ये जो राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होने जा रहा है वो आज यहां पर पीपुल्स मूवमेंट बन गया। ये राष्ट्रपति का चुनाव मेरे लिए उस लड़ाई की श्रृंखला में एक कड़ी है जो कई वर्षों से मैं इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं बहुत आभारी हूं सम्मानित मुख्यमंत्री जी का कि हमारे नामांकन के दिन 27 जून को इन्होंने अपने मंत्री केटी रामाराव जी को भेजा था दिल्ली, और उनके आने से हम लोगों को बहुत बल उस दिन प्राप्त हुआ था। राष्ट्रपति का ये चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है और इसीलिए शायद इस बार का चुनाव कुछ विशेष है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यह देश किस हालत से गुजर रहा है। आज मैं जब यहां आ रहा था तो आज के अखबार में एक बहुत ही विशिष्ट हमारे देश के विद्वान हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं अमर्त्य सेन जी, उनका एक वक्तव्य छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि द नेशन इज कलैप्सिंग, ये मुल्क जो है वो बर्बाद हो रहा है, कोलैप्स कर रहा है। और हम देखते हैं कि हर दृष्टिकोण से वो कोलैप्स हमारे सामने है। एक मिनट के लिए हम राष्ट्रपति के चुनाव को किनारे रख दें तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक नागरिक की हैसियत से हम इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि हमारा देश बर्बाद हो जाए। प्रधानमंत्री जी से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, विदेश की भावना नहीं है, हालांकि इस बात का मुख्यमंत्री जी, इस बात का मुझे जरूर सख्त अफसोस है कि नामांकन दाखिल करने के बाद मैंने उनको फोन मिलाया, मुझे बताया गया उस समय वो फोन पर उपलब्ध नहीं थे, मैंने संदेश छोड़ा कि उनसे मेरी ओर से निवेदन कीजिएगा कि जब वो लौट कर आए तो मुझसे बात कर लें। आज तक मैं इंतजार कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी का लौट कर फोन नहीं आया।
नहीं, बट ये देश के प्रधानमंत्री को क्या शोभा देता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक साधारण नागरिक भी फोन करे तो ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को उस फोन का उत्तर देना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह शिष्टाचार सिखा ही नहीं, बहुत अफसोस की बात है। तो आपको मैं बता रहा था कि बहुत असाधारण परिस्थिति में यह चुनाव हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकारी पक्ष से एक महिला को खड़ा किया गया है जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं। अक्सर ये प्रश्न मुझसे पूछा जाता है और मैं इसका उत्तर ये कह के देता हूं कि ये जो चुनाव हो रहा है इसके बारे में सर्वानुमति बन सकती थी। इट वॉज पॉसिबल टू फोर्ज ए कंसेंसस, लेकिन वो जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? वो सरकार के ऊपर थी कि हमारी ये सोच है, आपकी क्या सोच है, कैसे सर्वानुमति बनाई जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसलिए ऐसा नहीं किया कि वो सर्वानुमति में, कंसेंसस में विश्वास करते ही नहीं है। वो विश्वास करते हैं कॉन्फ्रंटेशन में, टकराव की राजनीति पर चलना चाहते हैं। वो अपमानित करना चाहते हैं दूसरे लोगों को और इसीलिए उनके डिक्शनरी में कंसेंसस नाम का शब्द ही नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बहुत ही प्रगतिशील और बड़े प्रदेश के आप प्रतिनिधि हैं, क्या हमारे देश में यही चलेगा? क्या एक तरफा सब कुछ होगा? क्या दूसरे की इस देश में दूसरे का कि कोई इज्जत नहीं रहेगी? और इसीलिए हम जोर देकर इस बात को कह रहे हैं कि ये दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है आज राष्ट्रपति का चुनाव। ये दो व्यक्तियों के आइडेंटिटी की लड़ाई नहीं है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है, एक आइडियोलॉजिकल बैटल है। और उस लड़ाई को हम आपके सहयोग से लड़े हैं। और जब हम लड़ाई में जाते हैं तो हम इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि सामने जो हमारा प्रतिद्वंदी खड़ा है उसके पास कितनी बड़ी तलवार है, उसके पास कितनी बड़ी फौज है। अगर हम सचमुच अपने कॉज में बिलीव करते हैं तो हमारे पास जो भी औजार होगा, जो भी हथियार होगा, उस हथियार से हम उस दुश्मन का मुकाबला करेंगे। आज हमारे देश में यही परिस्थिति बन गई है। कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन उसमें है। एक मीडिया हाउस है जिसका नाम है ऑल्ट न्यूज और एक जुबेर साहब हैं जो उसको चलाते हैं। ये आरोप लगाकर कि वो देश में वैमनस्य फैला रहे हैं, उनको जेल में बंद कर दिया गया।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उस प्रवक्ता को जिसने जहर फैला दिया इस देश में, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। क्या प्रधानमंत्री जी हैदराबाद में जब भाषण देंगे तो इस पर प्रकाश डालेंगे? प्रधानमंत्री जी, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, गला फाड़ फाड़ कर भाषण देते हैं, हर विषय पर बोलते हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन इस विषय पर बिल्कुल खामोश हैं। एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब एक स्कूल में कुछ बच्चों की मौत हो गई थी तो वो तुरंत देश के सामने आए और उन्होंने अपनी बात रखी, अपना अफसोस जाहिर किया। हमारे प्रधानमंत्री जी, 8 वर्षों में उनको हिम्मत नहीं हुई कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सारा संवाद एक तरफा है। क्या यही लोकशाही है? क्या यही प्रजातंत्र है कि एक आदमी बोलेगा और 140 करोड़ लोग सुनेंगे? ये हमारे देश में आज हो रहा है और इसके खिलाफ हमें लड़ना है। आज ये चुनाव, जैसा मैंने आपसे कहा यहां आने के बाद, कि ये एक पीपुल्स मूवमेंट बन गया है। इसका नतीजा कुछ भी हो उसकी चिंता हमें नहीं है, लेकिन मैं इतना आज के दिन कहना चाहता हूं आप सब से और सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से कि ये लड़ाई जो है वो इस चुनाव के बाद भी चलेगी। हम लड़ते रहेंगे और मैं ये साफ शब्दों में आज कहना चाहता हूं कि आपके आदरणीय, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री तेलंगाना के जो हैं, इनके साथ मिलकर हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे पूरे देश में। मैं इनसे फिर मिलूंगा, क्योंकि अभी हवाई अड्डे से यहां तक आते आते हम लोगों ने कुछ बातें की हैं, कुछ और बातें आगे बढ़ानी हैं, तो हम इनसे फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे कि इस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया जाए। इस देश को जरूरत है केसीआर जैसे नेताओं को। और मैं इसलिए इनकी इज्जत नहीं करता हूं केवल कि इन्होंने इस प्रदेश में चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया। मैं इसलिए इनकी इज्जत करता हूं कि ताकत मिलने के बाद इन्होंने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में, इसको अग्रणी प्रदेश बनाने में बहुत कम समय में बहुत कुछ करके दिखाया है। ये एक मिरेकल है। तेलंगाना इज ए मिरेकल टुडे, इट्स ए मिरेकल स्टेट। और ये वही आदमी कर सकता है जिसके मन में जनता के प्रति समर्पण का भाव हो, जिसके मन में एक विजन हो और वो मौका मिलने पर उस विजन को धरती पर उतारने का काम करे। आपके मुख्यमंत्री केसीआर जी उसी प्रकार के व्यक्तित्व हैं। इसलिए ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लोकशाही की लड़ाई है। ये लड़ाई, जैसे अमर्त्य सेन ने कहा,
कि देश को बर्बाद होने से बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई आपके और आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। ये लड़ाई भारत के भविष्य की लड़ाई है। और आज इस स्थल से, इस शहर से हम उस लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। केवल चुनाव राष्ट्रपति का अपने आप में बहुत मायने नहीं रखता है। कोई ना कोई चुनकर राष्ट्रपति भवन जाएगा। अक्सर पत्रकार हमसे पूछते हैं, आप राष्ट्रपति भवन में जाएंगे तो आपका प्रथम कर्तव्य क्या होगा? और मैं उनसे जोर देकर कहता हूं कि मेरा प्रथम कर्तव्य होगा इस देश के संविधान की रक्षा करना, उसके मूल्यों की रक्षा करना, इस देश की लोकशाही की रक्षा करना, प्रजातंत्र को बचाकर रखना। यह चुनौती है। कल ही ना प्रधानमंत्री जी का भाषण है यहां पर, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैं आपसे आज कह के जाना चाहता हूं, जितने प्रश्न आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूछे हैं उसमें एक का भी जवाब वो नहीं देंगे। वो इसलिए नहीं जवाब देंगे कि उनके पास जवाब है ही नहीं। He has no reply. And that's why he will not answer a single question which has been posed to him today by the Honorable Chief Minister. देश का दुर्भाग्य है। देश का दुर्भाग्य है कि यहां पर संवाद ही खत्म हो गया। देर इज नो डायलॉग, देर इज नो कॉन्वर्सेशन टेकिंग प्लेस। और जब डायलॉग नहीं होगा तो कंसेंसस कहां से बनेगी? मुझे याद है, मैं उस लोकसभा का सदस्य था, केसीआर साहब भी उसके सदस्य थे, और मेरे मन में इनके प्रति जो इज्जत है वो उस दिन से है जब अकेले लोकसभा में तेलंगाना अलग राज्य बनाने के लिए इनकी आवाज उठती थी। और सचमुच में उस समय बहुत कम लोगों को ये भरोसा था कि जैसा मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि एक दुबला पतला आदमी खड़ा हो जाए तो उसका सपना साकार हो जाएगा, लेकिन इन्होंने अपना सपना, उस सपने को साकार किया और तेलंगाना राज्य अलग पृथक राज्य बना। और बात वहीं तक नहीं रुकी, आज देश के अग्रणी राज्यों में तेलंगाना की गिनती होती है। तो सत्ता जो है, स्टेट पावर आप चाहते हैं इसके लिए कि उससे आप लोगों की भलाई कर सकें। स्टेट पावर आप इसलिए नहीं चाहते हैं कि आपके पास जितनी ताकत है, आपके पास जितनी एजेंसियां हैं, उसका आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस्तेमाल करके दुरुपयोग करें उनका, जैसा आज हम देख रहे हैं। आज ही अखबार में हम लोगों ने पढ़ा, 2004 का कोई एफिडेविट था शरद पवार साहब का, उनको नोटिस मिल गई इनकम टैक्स की। इतना दुरुपयोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं 5 वर्षों तक अटल जी की सरकार में इस देश का वित्त मंत्री था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी उस समय वित्त मंत्रालय में हुआ करती थी। मेरे दिमाग में
दूर दूर तक ये बात नहीं आई कि हमारे जो विरोधी हैं राजनीति में उनके खिलाफ इसका दुरुपयोग किया जाए। और जब मैंने पूछा किसी से कि भाई कैसे कोई सरकार का मंत्री एजेंसी के प्रमुख को बुला के कहेगा कि उस आदमी के पीछे लग जाओ, उसको पकड़ो, उसको अपमानित करो, कैसे कहता है? मुझे तो ये कहते हुए बहुत शर्म महसूस होती कि मैं बुलाकर उनको कहता प्रमाण हो या ना हो उस व्यक्ति को परेशान करना है, वो मेरे मुआफिक नहीं है, इसलिए तुम उसके पीछे पड़ जाओ। लेकिन आज ये प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। इतना दुरुपयोग सरकारी एजेंसियों का इसके पहले कभी नहीं हुआ है, और वो भी राजनीति के लिए। तो इसलिए क्या हम चुपचाप देश को बर्बाद होते देखेंगे? क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं बनता हुआ है, चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में, एक नागरिक के रूप में, कि हम इसका विरोध करें? और मुझे पूरा विश्वास आज हो गया यहां आने पर हैदराबाद, और आप सबका उत्साह देखने के बाद, कि इस देश में लोकशाही को कोई हरा नहीं सकता है। जब तक तेलंगाना है, जब तक टीआरएस है, तब तक हमारे देश में प्रजातंत्र सुरक्षित है। आया था आपसे समर्थन मांगने के लिए, मुझे पहले ही विश्वास दिलाया था जब मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई थी, और जब केटीआर आ गए थे हमारे नामांकन में, तो पूरा विश्वास हो गया कि हमें इस यहां का समर्थन मिलेगा। लेकिन यहां आने के पहले, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं क्योंकि कई जगह घूम के आ रहा हूं, मुझे अपने मन में यह विश्वास नहीं था, विश्वास था कि वोट मिल जाएगा, लेकिन यह विश्वास नहीं था कि इतना स्वागत होगा, यह विश्वास नहीं था कि आज यहां से एक नए युद्ध की शुरुआत होगी, और वो राष्ट्रपति चुनाव, वो राष्ट्रपति चुनाव में खत्म नहीं होगी, उसके आगे भी चलेगी, और हम सब मिलकर उस लड़ाई को लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब मित्रों का धन्यवाद, और आप सबको मेरी शुभकामनाएं। जय तेलंगाना।